दोस्तों, आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं या नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं राशन कार्ड में, तो आप किस तरह से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए, चेक करने के लिए पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ओपन कर लेंगे, हम कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है गूगल के ई पी डी एस टाइप करना है। ई पी डी एस टाइप करने के बाद ई पी डी एस बिहार इस वेबसाइट पर आ जाना है। ई पी डी एस का ई पी डी एस बिहार गवर्नमेंट बिहार देख सकते हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग फूड बिहार यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस लिंक में आ जाना है, यहाँ से इम्पोर्टेंस लिंक में आना है। इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से आर सी ऑनलाइन में आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अप्लाई फॉर ऑनलाइन आर सी पर क्लिक करना है। यहाँ से अप्लाई फॉर ऑनलाइन आर सी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से आपको पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू जन वितरण राशन कार्ड पोर्टल। यहाँ पर देख सकते हैं जन वितरण ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से आपको लॉगिन पर क्लिक करना है अपना स्टेटस को चेक करने के लिए। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ से लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर जन परिचय का वेबसाइट खुल कर आ जाएगा, मेरी पहचान का। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डालेंगे, जो आपको राशन कार्ड के ऑनलाइन करने समय आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा मेरी पहचान पर। उसका यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ से अपना फिल करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ से हम चलिए हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ से हम फिल कर देते हैं। लगा देना है, यहाँ से टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ से साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ से साइन इन पर जैसे क्लिक करें तो आपको कुछ इस तरह से आएगा, सिलेक्ट मल्टीफैक्टर एंड क्लिक नेक्स्ट। यहाँ से ओटीपी ऑन मोबाइल, अगर आप ईमेल दिए हो तो ईमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओटीपी ऑन मोबाइल को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो दिया होगा इस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ से अपना ओटीपी को आप फिल कर देंगे अपना मोबाइल में, 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। अब यहाँ से ओटीपी को यहाँ से फिल करने के बाद यहाँ से आपको साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ से साइन इन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका वेलकम टू जन वितरण एंड ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल, यही पोर्टल से आप अपना आवेदन किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू जेवीए राशन कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप किस तरह से एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे तो यहाँ से आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ से अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यू अप्लाई और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिखाएगा, तो यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस शो कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिशन पेंडिंग फॉर योर साइड, यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है। तो आप इसी तरह से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड कहाँ तक आपका आवेदन हुआ है। हमें नया आवेदन किया इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। हम अपना नया आवेदन राशन कार्ड को नाम का जोड़ने के लिए आवेदन किए हैं, तो यहाँ पर अभी न्यू आवेदन किस लिए इस तरह से दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं राशन कार्ड में। और ऐसे ही ऑनलाइन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।